ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपने फिल्मी करियर में न जाने कितने रिजेक्शन सहे और आज बन गया वो इस सदी का महानायक, जिसे हम अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। अ ट्रिब्यूट टू शहंशाह ऑफ इंडियन सिनेमा अमिताभ बच्चन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में हुआ और जल्द ही 1970 के दौरान उन्होंने इंडियन सिनेमा में अपनी जगह बना ली। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव पांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16 घंटा चालू है। जब अमिताभ अपने स्ट्रगलिंग दौर पर थे तब उन्होंने न जाने कितने रिजेक्शन सहे। ये बात भी अनकही है कि अमिताभ ने ऑल इंडिया रेडियो से भी रिजेक्शन सहा, पर वहीं एक बड़ा सच ये भी बताता है कि अमिताभ ने अपने करियर की पहली कमाई एक वॉइस नरेटर के तौर पे की, जब उन्होंने अपनी आवाज मृणाल सेन की अवार्ड विनिंग फिल्म भुवन शोम में दी। इसी स्ट्रगलिंग दौर के चलते एक दिन अमिताभ एक्स्ट्रास की लाइन में खड़े थे, तब वो एक्स्ट्रा का रोल करने को भी तैयार थे, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। तब उस सदी के महान एक्टर शशि कपूर ने अमिताभ से कहा, तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, खबरदार जो एक्स्ट्रास की लाइन में नजर आए। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। रवि, जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या दिया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया? आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। अमिताभ की पहली फिल्म रही 7 हिंदुस्तानी। ये सच है कि अमिताभ ने अपने फिल्म करियर में कहीं फ्लॉप फिल्में दी, फिर उनके गॉडफादर यानी कि ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म आनंद के लिए साइन किया। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं, बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। खामोश आए, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर आप उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, हा, हा। और ये कौन जानता था कि आनंद का बाबू मोशाई बन जाएगा इस सदी का बिग बी। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। बिग बी की पहचान सबसे पहले एंग्री यंग मैन के नाम से हुई, जो उन्हें मिला उनकी जानी मानी फिल्म जंजीर और नमक हलाल से। बहुत देर तक इसकी हिफाजत के लिए दीवार बन के सामने खड़ा हुआ है तू। थोड़ी देर के लिए सामने से हट जा। मैं देख पर कैसे इसे मौत की चादर पहनाता हूं। सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके, ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके।
आज तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा। संजय हर जगह कोई छा रहा था, तो वो था फिल्म इंडस्ट्री का द एंग्री यंग मैन। जब तक बैठने को न कहा जाए शरारत से खड़े रहो। कालिया, 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 कालिया। इस ताली पे तुम्हारा नहीं हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबरदार भर दे ताली। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक्टर के साथ साथ सिंगर बन जाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी इस महानायक के लिए, और सन 1969 में अमिताभ ने एज अ प्लेबैक सिंगर भी काम किया। रूख तेरा सोना सोनी तेरी पायल, हे रूख तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। ये से शावा शावा माहिया, से शावा शावा माहिया, से शावा शावा माहिया, से शावा शावा। फिल्मी दौर के चलते सन 1982 में अमिताभ ने फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान इंजरी को भी सहा, जो उनकी जान तक बनाई। पर यकीन था हमें कि जिसे आशीर्वाद है सदा चमकने का, वो सितारा यूं ही डूब नहीं सकता। चला 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 गोली, मैं मरूंगा तो बुलेट से ही मरूंगा, बीपी या शुगर से नहीं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। अगर लिखने वालों की किताबों में किसी का बयां होता तो वो थे बिग बी। इतना ही नहीं, दूसरों की जिंदगी को एनरिच करने वाले बिग बी ने खुद से भी किताब लिखी, जिसका नाम रहा सोल करी फॉर यू एंड मी, एन एम्पावरिंग फिलोसॉफी दैट कैन एनरिच योर लाइफ। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। ऐसी कोई राह नहीं जहां बच्चन चलना ना जानते हों। अमिताभ ने अपना कदम राजनीति में भी रखा, पर किस्मत का दौर भी कुछ अलग ही चलता है। वो आपको वहीं ले जाती है जहां आपका लेख लिखा होता है। फिर से वापसी हुई अमिताभ की इंडियन सिनेमा में, और दिल छू लिया उन्होंने हम सब का उनकी फिल्म हम से। चिक बम बम दूसरे से करते हैं प्यार हम,
सन 2000 में बच्चन कुछ नया लेकर टीवी की दुनिया में होस्ट बिग बी बनकर फिर से छा गए और दौर चला उनके पहले गेम शो का, कौन बनेगा करोड़पति। आभार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है पंचकोटी महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। भूमिका चाहे प्लेबैक सिंगर की हो, एक्टर की हो, वॉइस आर्टिस्ट की हो, इंडियन पार्लियामेंट मेंबर की हो, फिल्म प्रोड्यूसर की हो या फिर होस्ट की हो, हर दिल में सबसे पहले कोई नाम राज करता है तो वो है महानायक अमिताभ बच्चन का। आज खुश तो बहुत हो गया था। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहां आए अगल बगल नहीं, हमारे सामने रहा कीजिए ताकि हम आपकी मूछें देख सके। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना। ये तो आपका बड़प्पन है। मेरा बड़प्पन है? मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं, बड़प्पन तो उसका होता है जिसकी मूछें बड़ी। उस सदी के बेस्ट न्यू कमर से लेकर इस सदी के मैग्नानिमस पर्सनालिटी कोई है तो वो है अमिताभ बच्चन। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये वो हैं जो रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी मल्टी टैलेंटेड सितारे कहलाए जाते हैं। फिल्म फेयर हो या बेस्ट एक्टर अवार्ड, अमिताभ के हाथों में हर बार कोई ना कोई अवार्ड होता ही था। 2009 में पा मूवी ने एक बार फिर से जादू चला दिया और अमिताभ ने एक और अवार्ड अपने नाम कर दिया। अमिताभ बच्चन टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। इट्स इंडीड अ वेरी बिग ऑनर। Just happy to be a part of this great fraternity, and I want to thank each and everyone who has been the cause of why I stand in front of you today. Thank you so much, ladies and gentlemen. You've all been extremely kind. Thank you. अभिमान है हमें मिस्टर नटवरलाल पर, जिसने डॉन से याराना की दीवार को बरकरार रखा। सत्ते पे सत्ता तो होना ही था जब परवरिश में इतना दम था। सिलसिला था मुकद्दर का सिकंदर का, नसीब वजीर तक ले गया। कब लावारिस शहंशाह से ये कूली बागबान की कस्में वादे निभा गया। आज ये अग्निपथपा हम सब के दिलों पे छा गया।